तो मेरा नाम मिलन प्रामाणिक है और आप देख रहे हैं जूनियर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है इस एलईडी बल्ब का रिपेयरिंग करना। ये एलईडी बल्ब जल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आज यही देखेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। आपको दिखाया जाता है पहले कि जल नहीं रहा है, नहीं जला, और इसको भी देख लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है। तो आप पहले इसको रखते हैं, इसको पहले देखते हैं खुल के इसका प्रॉब्लम क्या है। जो कि देख रहा हूँ मैं कि ये एलईडी पहले रिपेयर हुआ है एक बार, तो फिर से प्रॉब्लम हुआ है, और आपको दिखा जाता हूँ कि इसके एलईडी में प्रॉब्लम कहाँ है। इस एलईडी में प्रॉब्लम दिखे है, ये एलईडी पहले ख़राब हो गया था, तो इसको रिप्लेस करके ये वायर दिया हुआ है। जो कि ये एलईडी तो सीरीज में रहता है, तो ये अगर एक एलईडी कट गया तो पूरा पैनल ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही ये एलईडी दिख रहा है कि ख़राब हो चुका है, ये शायद ये जल गया है, काला काला दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है, चेंज करना है, या ऐसा ही सीरीज में कोई वायर से आप ठीक कर सकते हो। तो पहले क्या करना है, ये दो स्क्रू को खोल के, ये कनेक्शन हटा के, इसको एलईडी को यहाँ से उठाना होगा, अच्छे से उठाना होगा। तो वीडियो में आगे रहना, हम इसको खोल लेते हैं पहले, कनेक्शन को पूरा खोल के बाहर निकलते हैं प्लेट को। अब देखते रहिए, ये स्क्रू तो खोल दिया, अब इसको सोल्डरिंग से हटाना होगा पहले। को भी खोल दिया मैंने, अब देख सकते हो शायद, अच्छे से देखना, इसको निकल लिया मैंने पहले। इसका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इससे वोल्टेज आ रहा है, और इसको तो चेक करना भी नहीं चाहिए, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि ये जल गया। ये अब देख लीजिए, एलईडी जल गया, तो इसको कुछ करना नहीं, जस्ट इसको रिप्लेस करना। और अगर आपके पास ऐसा एलईडी है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो इसके सीरीज में एक वायर जुड़ देना होगा। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ एलईडी को, तो हटाने के लिए मेरे पास उतना तो नहीं है कुछ, तो इसका इस्तेमाल सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करूँगा, और दो ऐसे रख कर इसको उठा लेंगे। तो वीडियो में बढ़े रहना, आगे देखिए, ऐसे उठा लेना होगा बस, और कुछ नहीं, ऐसे उठा लेना। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना होगा, ठीक है। फिर से हम इस एलईडी को ये एलईडी बल्ब के साथ पहले जोड़ लेंगे, ताकि हमको आसानी से ये ऑयल लगाना आसान होगा। अच्छे से इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। ये हम दोनों दो एलईडी गया इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, अगर दो तीन एलईडी चला गया तो नहीं काम करेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो एक दो गया तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, काम करेगा। इसको लगा दिया, और इसको सोल्डरिंग पहले कर लेते हैं। ये देखो मैंने इसको दोनों को सोल्डरिंग कर दिया, इस वायर को अच्छे से अलग अलग करना होगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है, एक छोटा सा ऑयल का टुकड़ा लेना है, कोई भी एक वायर ले लो, इसमें कुछ नहीं। इसके पहले आपको बता दें कि अगर आप एलईडी रिप्लेस करने को
करेंगे तो भी चलेगा। हम ये छोटा सा एक एलईडी, पुराना एलईडी बल्ब से निकला हुआ था, निकल के रखा था, इसको भी इधर रिप्लेस कर सकते हो। पहले इसको देखते हैं रिप्लेस करके क्या जलता है क्या नहीं, नहीं तो बाद में तो ही है, वायर लगा के करूँगा। मैं बीच में वीडियो को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब देखते रहिए। और आपको देखना है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ठीक से लगा हुआ है कि नहीं। ये जो बड़ा वाला है इसका एलईडी की भी बड़ा वाला को इधर लगाना होगा अच्छे से सेट करके, अच्छे से लगा के इसके नीचे हिट देना होगा। नहीं, इसके लिए आपको इससे ऐसे काम नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, इसको वायर से ही कर देते हैं। इसको वायर से ही करते हैं। तो ये ऐसा एक वायर लेके इसको ठीक से इधर सोल्डरिंग करना होगा। पहले इसको इधर सोल्डरिंग करते हैं अच्छे से करना, और इसके बाद इसको काट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया। अब इसको जला के देखते हैं। तो पहले ये स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। ये अच्छे से टाइट कर दिया मैंने। अब इसको टेस्ट करते हैं जलता है कि नहीं, तो देखते रहिए। डिफ्यूज़र लगा देते हैं, ये देखो जल रहा है, मतलब ये काम अच्छे से काम कर रहा है। तो आप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, चैनल में नया हो ना। तो आज के लिए ही नमस्कार। और अगली वीडियो में ये एलईडी को दिखाऊंगा।